खबर दुर्ग से, जहां पर भिलाई में एनआईए की दबिश दी गई है। एनजीओ संचालक कला दास डहरिया के निवास पर दबिश दी गई। 6 से ज्यादा अधिकारी दबिश में शामिल रहे। नक्सलियों से साठगांठ के शक पर दबिश दी गई। लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन जब्त किया गया। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने की एनआईए दबिश की पुष्टि। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां पर भिलाई में एनआईए ने दबिश दी है। एनजीओ संचालक कला दास डहरिया के निवास पर दबिश दी गई। 6 से ज्यादा अधिकारी दबिश में शामिल रहे। नक्सलियों से साठगांठ के शक पर दबिश दी गई है। और संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए। मिथिलेश, भिलाई में एनआईए की दबिश, जहां पर एनजीओ संचालक कला दास डहरिया के निवास पर दबिश दी गई है, क्या कौन सा शक था, क्या कोई सूचना मिली थी? देखिए, एनआईए को ये संभवतः ये सूचना मिली है कि जो कला दास है उनसे जो संपर्क है वो नक्सलियों से, इसी वजह से भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आज सुबह ही की दबिश दी गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात रहा है एनआईए के अधिकारी, यहाँ पर मौजूद रहे हैं, पुलिस का बल भी तैनात रहा है, और उस दौरान यहाँ भी लोगों ने ये छानबीन की है और पेन ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल तीनों को जब्त किया है। लगातार इस तरह की सूचना संभवतः एनआईए को प्राप्त हो रही थी, और यही वजह थी कि आज जो है वो सुबह दिल्ली से आई टीम ने जामुल क्षेत्र में दबिश दी, और यहाँ पर जो एनजीओ के संचालन करते हैं उनके यहाँ पर ये दबिश दी गई है। पूरे मामले में जानकारी अधिकृत रूप से नहीं दी गई है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से ये नक्सलियों के साठगांठ के संबंध में ये चर्चा की जा रही है, तो एनआईए जब इसकी अधिकृत जानकारी देगा तो पूरे मामले की और जानकारी प्राप्त होगी कि आखिरकार इनका किस तरह से संबंध रहा है, क्या है। तो अभी फिलहाल जांच जारी है और देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में किस तरह की ये बातें कही जाती है। तो जांच के दौरान क्या कुछ अभी जानकारी मिल पाई है कि जांच में कुछ खुलासा हुआ हो, या फिर इनकी ऐसी कोई कामकाज हो जो कि काफी संदिग्ध समझ में आते हो, इनका कारोबार क्या है, काम क्या है, बिजनेस क्या है? देखिए, ये पूरे मामले जो है, ये एनजीओ संचालक है, इनको अलग अलग जगह से फंडिंग होती है। हाँ। और ये मजदूर नेता भी कहलाते हैं, और इनके जो एनजीओ है उसमें मजदूरों के हितों में के लिए काम करता है। तो यहाँ से कोई संबंधित इनकी फंडिंग को लेकर भी ये जानकारी जुटाई जा रही है, और ये किस तरह के नेता है, कहाँ कहाँ से, क्योंकि मजदूर नेता इनके कई जगह से संपर्क होते हैं, तो संभवतः यही एक अनुमान लगाया जा रहा हो इनके, हो सकता है कि इनके नक्सलियों से साठगांठ रहे हो, क्योंकि इसके पूर्व भी जिस तरह से जिस क्षेत्र में आज ये दबिश दी गई है वहां से नक्सलियों के कुछ संपर्क वाले लोग भी पहले पकड़े जा चुके हैं। तो ये इनसे ये भी पूछताछ की जा रही हो कि उनसे किस तरह के संबंध, किस तरह की फंडिंग होती है इनको। तो अभी जब एनआईए इस पूरे मामले में अधिकृत जानकारी देगा, बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इनका किस किस तरह से संबंध है, कहां कहां से इनकी फंडिंग थी। चूंकि अभी तो ये प्राथमिक स्तर पर ही है कि अभी ये जांच की जा रही है, और फिर जांच होगी जिस तरह से बताया जा रहा है कि लैपटॉप और पेन ड्राइव और मोबाइल फोन, इन तमाम चीज की तकनीकी जांच की जाएगी, तो शायद और भी बातें सामने आ पाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम जानकारी के लिए।